According to Aristotle, the student of Plato, man or human being is a rational animal. Rational meaning human being has reasoning as source of knowledge. Reasoning को define करने के लिए हमें सिर्फ चार words, terms याद रखनी होगी. First is sensible or logical thinking. Second is conclusion. Third, इस group में से एक ले लीजिए, form, infer or make. और second, fourth है use, apply or problem solving. पहला है कि वो लॉजिक रीजनिंग क्या है, लॉजिकल और सेंसिबल थिंकिंग जो कंक्लूजन को जहां तो ड्रा करती है, फॉर्म करती है, मेक करने में हेल्प करती है, ठीक. दूसरी जो कंक्लूजन बने हैं उनको अप्लाई करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लाइफ में यूज करने में हेल्प करती है, उसको हम रीजनिंग कहते हैं. यहां जो प्रोसेस लॉजिकल या सेंसिबल थिंकिंग की कंक्लूजन को मेक करने में, कंक्लूजन को बनाने में हेल्प करती है, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग. और जो वो कंक्लूजन बन चुके हैं उनको अप्लाई करने में हेल्प करती है, दैट इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के अलावा आपको पीएचडी या यूजीसी के एग्जाम में कुछ और रीजनिंग भी पूछी जा सकती है, जहां जो कंफ्यूज करती है रीजनिंग की, जब बात करते हैं हम रिसर्च और साइंटिफिक मेथड की, वो टाइप्स दो हैं, प्योर रीजनिंग एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग. प्योर रीजनिंग जो रैशनलिस्ट हुए हैं, आइडलिस्ट हुए हैं, फिलोसोफर जैसे डिकार्ते है, लेबनिज है, स्पिनोजा है, प्लेटो की बात कर चुके हैं, तो ये प्योर रीजनिंग की बात करते हैं. प्योर रीजनिंग मीन अ प्रायरी नॉलेज. अ प्रायरी मीन बिफोर एक्सपीरियंस, नो यूज ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस. द रीजनिंग विदाउट सेंसरी एक्सपीरियंस इज नोन एज प्योर रीजनिंग. And the practical reasoning, in practical reasoning, there is need of experience or sensory experience. On the basis of sensory experience, you make the conclusion or use the conclusion. So, ये जब भी reasoning की बात है, आपने inductive, deductive याद रखना है, pure और practical को याद रखना है. आज हम बात करेंगे अभी आगे चल के inductive reasoning की. इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए हमें यूजीसी में जो क्वेश्चन आते हैं, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन सेटर है वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन उनके पास सेम है कि जी व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग, पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, ये दो शब्द हैं. ओके, पर्टिकुलर के साथ कोई स्पेसिफिक शब्द यूज कर लेता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल और जनरल कंक्लूजन, जिससे मैं ये समझा के आपको आया हूं कंक्लूजन. ओके, तो वो जनरल कंक्लूजन की जगह पर आपके पेपर सेटर और कोई भी शब्द इनमें से यूज कर सकते हैं. मैंने बुक्स में से, स्टडी करके, नेट में से जितने शब्द मिले हैं जो इस एरिया में आते हैं, जो कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करते हैं टर्म, तो वो ये लिस्ट है. जैसे जनरलाइजेशन हो सकता है, डेफिनेशन हो सकता है, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है, एम्पिरिकल लॉज है, थ्योरीज है, एब्स्ट्रैक्शन है. और जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल शब्द की जगह पर आपको एग्जाम में, टेस्ट में कोई और शब्द वो डाल सकता है और पूछ सकता है ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, जब दोनों हैं तो वो एग्जाम्पल के साथ मिलते हुए शब्द और कौन से हैं, इंस्टांस, केसेस, ऑब्जर्वेशन, सिचुएशन, सैंपल, इवेंट, फैक्ट्स, सेंसरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व, डाटा, कंक्रीट. लास्ट में कंक्रीट लिखा है, ये एब्स्ट्रैक्ट है. इट मींस हम रीजनिंग में जहां कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, जहां एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ
आते हैं। जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात करने लगे हैं, जब हम पर्टिकुलर से, कोई शब्द भी इनमें से यूज कर लीजिए, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, इनमें से कोई शब्द यूज कर लीजिए। अब मैं इनमें से आपको 200 क्वेश्चन बना सकता हूं इतने में से, कि मैं कह दूं कि फ्रॉम इवेंट्स टू स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम कंसेप्ट्स टू केसेस क्या है, आज तक किसी पेपर सेटर ने ये नहीं बनाया। तो आप उन पेपर सेटर से भी आगे जा सकते हो अगर आपको इनकी बात समझ आ गई है कि ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। सो याद रखना है, मैंने अब इंडक्टिव मेथड की बात करनी है, मैं एग्जांपल या केस यहां वर्ड टर्म यूज करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जांपल और केस का मतलब सेम लेना है, और इधर कंक्लूजन हो सकता है या जनरलाइजेशन या लॉ या प्रिंसिपल, इनमें से कंक्लूजन मोस्टली यूज करूंगा। तो आइए समझते हैं हम कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। क्या है? पी टू जी मीन इधर से पर्टिकुलर इंस्टांस से जनरलाइजेशन या जनरल कंक्लूजन की तरफ जाना, उससे क्या मीनिंग है अभी समझेंगे। ओके, ये समझ लीजिए कि मैंने इसको समझाने के लिए कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये एक हायरार्की बनाई है। हायरार्की में सबसे नीचे एग्जांपल्स, अब याद रखना एग्जांपल की जगह केस, फैक्ट्स, सैंपल, कुछ भी उधर वाले सब शब्द में से आप यूज कर सकते हो। ओके, ये लाइफ है, लाइफ को नीचे नहीं रखना वैसे, है ना, लाइफ है, लाइफ में हम एग्जांपल से, केस से, सिचुएशन से, सैंपल से डील करते हैं। तो ये जो विड्थ है इसकी इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्यों रखी, बिकॉज लार्ज नंबर है, एग्जांपल आर अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड एग्जांपल है मतलब पॉपुलेशन आपकी दो हो सकती है, आपके पास उसका नंबर है, ये रिसर्च और साइंटिफिक मेथड में बात होगी जब सैंपल सेलेक्ट करना है। याद रखना कि आपके पास एन नंबर आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं यहां बर्ड्स की एग्जांपल लेके चला हूं, मेरे पास स्पीशियस हैं जो नेशनल ज्योग्राफी ने दिया है 18,000 वर्ल्ड में स्पीशियस है, मेरे पास नंबर है अब। ओके, दूसरा मेरे पास स्पीशियस का नंबर है, इतनी वैरायटी है स्पीशियस की, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, वो 200 से 400 बिलियन है। देखो साइंस भी अभी तक कैलकुलेट नहीं कर सकी, हमारे पास अंदाजा है इसका भी, लगभग अंदाजा है, हमारे पास एन है जो बहुत ही लार्ज है। क्या हम इंडक्टिव रीजनिंग में सारे नंबर 18,000 पंछियों को स्टडी कर सकते हैं? अगर करेंगे कितना टाइम लगेगा, कितनी मनी और कितनी एनर्जी लगेगी, नहीं कर सकते। दैट इज वाई हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने होते हैं, केसेस या एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल को आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, टच कर सकते हो, पांच ज्ञान इंद्रियों से सब कुछ कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल रीजनिंग में पीछे बात करके आए हैं। ठीक, तो यहां से स्टार्ट होती है इंडक्टिव रीजनिंग। आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल ले ली है, इससे मैं कोरिलेट करता हूं, एग्जांपल इज ये लेके चलेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड है कंक्रीट से आप प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस है, माइंड की प्रोसेस है, यहां माइंड की प्रोसेस लिख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग इज फंक्शनिंग ऑफ माइंड, वर्किंग ऑफ माइंड। तो एग्जांपल कलेक्ट कर ली, उसके बाद एनालिसिस करना है, एनालिसिस को कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, एनालिसिस में आपने उन एग्जांपल में से सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक, और जो सिमिलैरिटी होती है, कॉमननेस होती है, वो लगभग इजीली कंक्लूजन बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास बर्ड्स आ गए, मैंने देखा कॉमननेस इनमें क्या है, सिमिलैरिटी, नंबर एक इसके भी फीदर हैं, ओके, पर हैं, इसके भी पंख हैं, इसके भी पंख हैं, इसके भी पंख हैं। मैं सिमिलैरिटी के बेस पर सीधा कंक्लूजन बना सकता हूं कि बर्ड्स या ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। ठीक, ये इंडक्टिव मेथड को समझने का आसान तरीका हो गया। अगर यहां तक समझ नहीं है तो वीडियो बंद कर दीजिए। अगर इसको साइंटिफिक मेथड, रिसर्च और इनडेप्थली समझना है, लाइफ में भी अप्लाई करना है, तो आगे देख सकते हो आप। अच्छा, अब
क्या है? इट मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग कंक्रीट एग्जाम्पल से प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस होगी. माइंड की प्रोसेस क्या है? थिंकिंग, जो सेंसिबल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग की बात करके आए, जिसमें ये सिमिलरिटी रेफरेंस देख के यहां कंक्लूजन तक पहुंचना है. तो यहां से पहुंच के ये माइंड में एक एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन हमारे माइंड में बन गया. ये रहा हमारा माइंड, यहां बन गया ऑल बर्ड्स हैव फीदर. ठीक, बर्ड्स एंड फीदर, देयर इज ए रिलेशन, दैट इज वाई इसको रूल प्रिंसिपल लॉ कुछ कह सकते हो. अच्छा, तो कंक्रीट से इसका मतलब है हम इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. ये भी आपको इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डिडक्टिव में इससे उल्टा हो जाएगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ आते हो, अप्लाई जब करते हो उसको. अभी बात नहीं करेंगे इसकी. अच्छा, अब देखें कि अब हम देखते हैं कि हम इन एग्जाम्पल के पॉपुलेशन हमारे पास 18,000 है, तो हमने छोटा सा सैंपल सिलेक्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन एस्पेक्ट लिए हैं, नंबर ऑफ केसेस, ये नंबर ऑफ केसेस और एग्जाम्पल. नंबर ऑफ केसेस, फॉर एग्जाम्पल, पहले में मैंने एक पंछी देखा, एक बच्चे ने एक पंछी देखा, छोटे बच्चे ने एक पंछी देखा. जैसे एक बच्चा कोई भी चीज, चलो अभी वो बात नहीं करते, उसने एक केस लिया, पंछी देखा और देखा कि वो उड़ सकता है. ओके, तो उसने कंक्लूजन निकाल लिया एक से ही, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. ठीक, जब हम एक सैंपल से कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन. इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर उसमें 100% हो सकती है, या 99% तो लगा लीजिए ना, 99% हो सकती है, क्योंकि एक केस तो फ्लाई कर रहा है ना, 99% आप लगा लीजिए. ठीक, इट का इट मीन्स, इसको रेड रेड कलर किया है इसको समझना है, ये ब्लू इसलिए किया है कि ये एरर के बिल्कुल उल्ट है. जितनी ज्यादा एरर होगी उतनी कम एक्यूरेसी होगी. अगर एरर ज्यादा है, 99% है, इट मींस एक्यूरेसी 1% होगी, जब आपका सैंपल इतना छोटा है. फॉर एग्जांपल, मैंने बड़े होके थोड़ा बड़ा सैंपल ले लिया, एक पंछी, दो पंछी, तीन पंछी, चार पंछी, चार हो गए. ओके, चार देखा के चार फ्लाई कर रहे हैं. ठीक, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है थोड़ी कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं 95% एरर हो सकता है कर रहा हूं, 5% एक्यूरेसी हो, हम ऐसे समझ रहे हैं. ठीक, तो इसके बाद अच्छा, मैंने कंक्लूजन क्या है निकाला, कंक्लूजन यहां बनाए हैं. हाँ, मैंने क्या किया, चार से ये कंक्लूजन बनाया, चार, ये भी उड़ सकता है, 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 ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. बच्चे ने एक से ही बना लिया था, तो मेरा ये कंक्लूजन जो निकाला है इन एग्जाम्पल से, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देखते हैं नेचुरली ज्यादा होगी. वो कैसे हमें पता चला, जैसे ही मैंने सैंपल साइज या केस या एग्जाम्पल अधिक कर दी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब 8 दुगनी कर दी, 8 एग्जाम्पल्स और केसेस और सैंपल साइज. ठीक, मैंने देखा ये भी उड़ता है, ये पंछी भी उड़ रहा है, ये पंछी भी असली है भाई, ये भी असली है, ये भी असली उड़ रहे हैं, असली उड़ रहे हैं. ओके, असली उड़ रहे हैं, ये भी उड़ रहे हैं. अच्छा, डक कैन फ्लाई? नो. तो क्या हुआ, जब 8 एग्जाम्पल थी, उनमें से 7 सिमिलर और 1 डिफरेंस आ गया. ओके, सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात किया, तो मैंने क्या, मेरा कंक्लूजन चेंज हो गया, एक्सेप्ट स्टीमर डक ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. इट मींस अब मेरी एक्यूरेसी और बढ़ गई 20%, मान लीजिए अंदाजा लेके चल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट मैंने सैंपल फिर बढ़ा दिया, मैंने अब कितना एग्जाम 60 मान लीजिए ले लिया, ये पंछी है, ये पंछी, ये भी उड़ सकता है, 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 ये उड़ सकते हैं. ये देखा यार, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, डक नहीं, पेंगुइन पंछी है, हमें शायद पता नहीं था. मेरा कंक्लूजन
अब मेरे पास 60 में से 57 जो हैं, इससे लिखता हूं, 57 जो है वो सिमिलैरिटी है और 3 केस डिफरेंसेस है। ठीक, मैंने कहा कि फ्यू बर्ड्स कैन, सॉरी गलत है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, फ्यू कैन नॉट फ्लाई। ओके, देखिए जैसे जैसे केसेस या नंबर ऑफ एग्जांपल बढ़ रही हैं, आपका कंक्लूजन चेंज हो रहा है, कंक्लूजन चेंज हो रहा है, मतलब के मेरा ये जो कंक्लूजन है, जो ज्यादा एग्जांपल पर था वो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, पिछले से कंपेयर करते हैं इस कंक्लूजन को इससे, तो देखते हैं वो कंक्लूजन गलत है। अच्छा, सैंपल साइज और बढ़ा दिया, सैंपल साइज हो गया 120, लगा लीजिए 120 हो गए, ये सारे उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, पेंगुइन, डक, वेका, ऑस्ट्रिच, कीवी, कैंपको, ये सारे जो हैं उड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब 120 का सैंपल है, उसमें से 108 112। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब सैंपल साइज कितना बड़ा हो गया, सैंपल साइज हो गया 120, और 120 में से कितने जो हैं वो सिमिलर केस हैं, 112, और 8 केसेस जो हैं वो डिफरेंट है, डिसिमिलर है। तो मेरा कंक्लूजन इससे चेंज हो गया, जहां मैं कहता हूं कि इतने उड़ सकते हैं, इतने परसेंट उड़ सकते हैं, इतने परसेंट नहीं उड़ सकते, जहां मोस्ट एक्सेप्ट दीज कैन फ्लाई। ओके, तो ये कंक्लूजन फिर चेंज हो गया, अब मेरी एक्यूरेसी एरर रेट कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल 90%, और मेरा एक्यूरेसी रेट बढ़ गया। ये देख लीजिए साफ के एज द नंबर ऑफ केसेस, एज द नंबर ऑफ फैक्ट्स, एज द नंबर ऑफ सैंपल, सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, एरर वैसे वैसे डिक्रीज होती है, एक्यूरेसी वैसे वैसे इंक्रीज होती है। ये रूल या नियम थ्रू आउट रिसर्च आपको याद रखना होगा, समझना होगा, याद नहीं रखना, सिर्फ समझना होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे। ठीक, अब मैंने जब ये देखा कि मैंने ये देखना है, मैंने एनालिसिस फर्दर ले गया, मैं इन डिफरेंसेस को, 8 डिफरेंसेस को स्टडी कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं यार ये क्यों नहीं उड़ सकते। जब स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इनका बॉडी वेट इनसे कंपेयर किया गया, जो नहीं मिलते कंपैरिजन आ गया मेथड, इनसे कंपेयर किया गया, ये देखा गया कि इनका बॉडी वेट ज्यादा है, इनका बॉडी वेट जो उड़ सकते हैं उनसे ज्यादा है, इसका भी बॉडी वेट इनसे ज्यादा, और फीदर जो है, पंख जो है वो इनसे कमजोर है। ठीक, ये स्टडी करके कंक्लूजन बिल्कुल ही चेंज हो गया, इसको इंटरेक्शन इफेक्ट बोलोगे आप। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी वेट एंड टाइप ऑफ फीदर, स्ट्रेंथ ऑफ फीदर, बॉडी वेट और फीदर का इफेक्ट क्या है फ्लाई करने के लिए, फ्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये हम रिसर्च के लास्ट तक जो समझना है, अभी उसका बेस बन गया है, अगर आप इसको समझ लो। अब कंक्लूजन क्या हुआ कि बॉडी, अब सारे ही सैंपल हमारे इसमें शामिल हो गया, देखो 120, हमने डिफरेंट केस भी स्टडी किए जो 8 थे, और बाकी जो 112 सिमिलर थे, जो उड़ सकते थे और जो नहीं उड़ सकते थे, उनके बेस पर द बर्ड जो जिनका बॉडी वेट लाइट है लेकिन फीदर स्ट्रांग है वो उड़ सकते हैं, कैन फ्लाई, यहां फ्लाई आ जाएगा। ओके, लिख देते हैं कैन फ्लाई। ओके, जो जिनका बॉडी वेट हैवी है और फीदर वीक है वो कैन नॉट फ्लाई। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ कि ये बर्ड्स विद स्ट्रांग फीदर्स एंड लाइट वेट कैन फ्लाई, दो वेरिएबल हैं। ठीक, दो वेरिएबल हैं, एक नंबर ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और इनका लेवल क्या है इस वेरिएबल का, लाइट एंड हैवी, फीदर का क्या है स्ट्रांग एंड वीक, ये दो लेवल हैं, वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है, और ये व्हाइट वाले इनके लेवल हैं, और इनके लेवल का जो इंटरेक्शन इफेक्ट गुना करके जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फ्लाई, कैन फ्लाई और नॉट। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला, द बर्ड्स विद स्ट्रांग फीदर्स एंड लाइट वेट कैन फ्लाई, द बर्ड्स विद वीक फीदर एंड हैवी वेट कैन नॉट फ्लाई। सो ये हमारा, जब डिफरेंस के बेस पर ये कंक्लूजन हमने निकाला, जब डिफरेंस के बेस पर ये हमने कंक्लूजन निकाला तो हमारा सैंपल साइज बेशक वही है लेकिन एनालिसिस इन डेप्थ हो गया, तो एनालिसिस इन डेप्थ होने से हमारी एरर रेट कितना ज्यादा कम हो गया, एक्यूरेसी कितने परसेंट बढ़ गई। याद रखना है हम जिंदगी में इंडक्टिव मेथड अप्लाई करते हैं लेकिन हमारे हम क्या गलती करते हैं, हम सैंपल साइज का बहुत कम लेते हैं। हम एक लड़की है उसको लड़के ने धोखा दे दिया, वो कहता है कि सारे लड़के धोखेबाज हैं, इतना गलत कंक्लूजन नंबर वन पर क्यों। दूसरा, सैंपल साइज इतना छोटा था। दूसरा, इमोशनल बेस पर, फीलिंग बेस पर डिसीजन लिया गया, रीजनिंग के बेस पर नहीं, उनको एनालाइज किया गया। अगर सैंपल ही एक था तो कुछ भी नहीं होना, अगर सैंपल साइज एक है तो ओवर जनरलाइजेशन होगी, बिल्कुल गलत होगी। और अगर आपका क्या सैंपल रिप्रेजेंट करता है, क्या सारे लड़कों के करेक्टरिस्टिक्स, क्या सारे पंछियों के करेक्टरिस्टिक्स, यहां करेक्टरिस्टिक कौन सा है, वो उनके पर है, उनका वेट है, वो फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा है कि जो रिसर्चर था बायस कितना है, जो रिलीजियस कास्ट, जब ये इश्यूज आते हैं, पार्टी आती है, पॉलिटिकल पार्टी आती है, आप कितनी डिबेट करते हो, वो बायसनेस है। रिसर्च हमने साइंटिफिक मेथड करना है तो ये बातें बार बार पूछी जाएंगी आपको कि सैंपल साइज का क्या है इफेक्ट, वो हम बात कर चुके हैं। एज द सैंपल साइज इंक्रीज, एरर डिक्रीज, एक्यूरेसी ऑफ कंक्लूजन इंक्रीज। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस की, बायसनेस की, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कोई भी मैथ रिसर्च कर पढ़ेंगे, ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ये जितने सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमने स्टडी किए हैं ये साइंटिफिक मेथड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन आप देखना अगले वीडियो में साइंटिफिक मेथड इससे भी आगे है, इससे भी आगे है। लगभग मैंने वैसे इसी में से एग्जाम्पल दे दी है, लेकिन साइंटिफिक मेथड क्या है और रीजनिंग में क्या फर्क है, प्योर रीजनिंग, प्रैक्टिकल रीजनिंग और साइंटिफिक मेथड में क्या डिफरेंस है, और फिर रिसर्च क्या साइंटिफिक मेथड ही है, नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे। थैंक यू।